नमस्कार, आप देख रहे हैं भट्टू दर्पण न्यूज। मुख्य समाचारों के साथ मैं जय सिंह जालवा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भट्टू कला के राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान में खंड स्तरीय ग्रामीण महिला खेलकूद प्रतियोगिता शुक्रवार को आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता के दौरान महिला एवं बाल विकास खंड अधिकारी रेखा ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लेते हुए हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में साइकिल रेस में मोनिका ढांड प्रथम, कविता ढांड द्वितीय, नीतू भट्टुकला तृतीय स्थान पर रही। दौड़ 300 मीटर में रेखा ढिंगसरा प्रथम, मोनिका ढांड द्वितीय, कोमल ढांड तृतीय स्थान पर रही। दौड़ 400 मीटर में रेखा ढिंगसरा प्रथम, मोनिका ढांड द्वितीय, कविता ढांड तृतीय स्थान पर रही। आयु वर्ग 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए आलू चम्मच दौड़ में कविता पत्नी दलवीर प्रथम, निर्मला खापड़ा द्वितीय, कविता पत्नी प्रदीप तृतीय स्थान पर रही। मटका दौड़ में कविता पत्नी दलवीर प्रथम, कविता पत्नी प्रदीप द्वितीय, सावित्री भट्टुकला तृतीय स्थान पर रही। दौड़ 100 मीटर में सुमन ढिंगसरा प्रथम, कविता पत्नी दलवीर जांडवाला वागड़ द्वितीय व कविता पत्नी प्रदीप जांडवाला वागड़ तृतीय स्थान पर रही। प्रतियोगिता में विजेताओं को प्रथम स्थान के लिए 2100 रुपये, द्वितीय के लिए 1100 व तृतीय स्थान पर रहने के लिए 750 रुपये की राशि द्वारा प्रतियोगिताओं के अकाउंट में भेजकर पुरस्कृत किया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय भट्टुकला में एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर के 4th दिन की शुरुआत एनएसएस पुरुष इकाई प्रभारी दर्शन सिंह व महिला इकाई प्रभारी राजेश कुमार के नेतृत्व में एनएसएस लक्ष्य गीत के साथ हुई। इस मौके पर भारतीय स्टेट बैंक के डिप्टी मैनेजर गणेश पारिक ने भी स्वयं सेवकों को बैंक की जानकारियाँ दी। मैनेजर ने बताया कि एक विद्यार्थी अपने अध्ययन और उद्यम स्थापना हेतु बैंक से किस किस प्रकार का लाभान्वित हो सकते हैं। चौधरी मणिराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉक्टर पूजा ने स्वयं सेविकाओं को माननीय मूल्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मनुष्य जीवन में सफल होने के लिए मानवीय मूल्यों का बहुत महत्व है। विद्यार्थी को हमेशा सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, संपन्नता, कर्मठता के साथ कार्य करना चाहिए। एक विद्यार्थी को सर्वांगीण विकास हेतु जीवन मूल्यों को अपनाना चाहिए। इस दौरान स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाओं ने श्रमदान भी किया। AHPC वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा भट्टुकला सब यूनिट ने दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपमंडल कार्यालय पर 28-29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए सब यूनिट प्रधान बाल सिंह भद्रेचा की अध्यक्षता में गेट मीटिंग का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महकमों को बहुत ही तेजी से निजीकरण कर रही है। निजीकरण किसी भी कर्मचारी के लिए हितकारी नहीं है, वहीं नए जनता के हित के है। निजीकरण में कर्मचारियों को और आम जनता को शोषण होगा। सभी विभागों में कच्चे कर्मचारियों की भरमार है। मीटिंग को संबोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर पृथ्वी सिंह वाना ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन नीति को लागू कर दिया है। उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार को पुरानी पेंशन नीति लागू करनी चाहिए। शोषण के मामले में हरियाणा सरकार 2 कदम आगे बढ़ते हुए कौशल विकास निगम बना दिया है, जिसमें पूरा वेतन नहीं और नियुक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट पक्की जानी है। पंजाब सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की घोषणा की है। इस तर्ज पर हरियाणा सरकार को भी